हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग बायोकेमिस्ट्री के ऊपर कि बायोकेमिस्ट्री किस तरह से आपको स्टडी करना है फॉर जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहाँ से स्टडी करना है और कितना स्टडी करना है। तो ये सब डिटेल्स में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखो ताकि आपको डिटेल्स में पता हो जाए। और वीडियो में आगे जाने से पहले बोल दो, अगर आप इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन ऑन रखो। आई हैव कम्प्लीटेड माई एमएस फ्रॉम नाइपर अहमदाबाद लास्ट ईयर। अदर देन दिस आई क्वालिफाइड जीपेट ट्वाइस एंड गेट एंड सी यू सेट ऑल्सो। तो देखो बायोकेमिस्ट्री आपको किस तरह से स्टडी करना है। बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले बोल दू ये एक माइनर सब्जेक्ट है फॉर जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन कम आता है। ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन मान लो। अगर 4 क्वेश्चन भी आएगा हर साल और आप करेक्ट कर लोगे तो आपको 16 मार्क मिलने का चांस है, जो कि बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 16 मार्क बहुत ज्यादा होता है, तो ये 16 मार्क आपको इजिली मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे। तो देखो सबसे पहले मैं बोलूं, पहले भी एक बार मैंने बोला था, जब माइनर सब्जेक्ट के बाद आए जीपेट में तो माइनर सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट से कॉपी ले लेना, और वहां पे हर माइनर सब्जेक्ट जो भी 2-3-4 माइनर सब्जेक्ट है आपका उसको वहां पे नोट करते जाना और उसको बीच बीच में रिवाइज करने का। जब मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि रिविजन किस तरह से करना चाहिए, वहां पे मैं बोल दूंगा माइनर सब्जेक्ट किस तरह से रिविजन करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट कब रिविजन करना चाहिए। आज मैं बोल दूं कि सबसे पहले आपको जो भी बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है वहां में से कुछ टॉपिक ही आपको देखना है, और कुछ तरह के क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बोल दूंगा। कार्बोहाइड्रेट देख लो आप, कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा बहुत जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देख लेना, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देख लेना, स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बट चांसेस ज्यादा है कि कार्बोहाइड्रेट का जो भी क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो वहां पे आपको डिटेल्स में कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन देख लेना, हर साल कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये सब के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, तो वो आप डिटेल्स में देख लेना। और किस लिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है ये सब भी थोड़ा बहुत आप पता कर लेना, क्या पता थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हर साल दिन ब दिन अपडेटेड हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत एडवांस देख लेना ताकि मिस ना हो। और उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक आपको देखना है वो है आपका अमीनो एसिड, अमीनो एसिड देख लेना। अमीनो एसिड काफी इजी टॉपिक है, तो अमीनो एसिड से आपको क्या करना है, एक चैप्टर वाइज कुछ क्लासिफिकेशन वो कर लो आप, अमीनो एसिड का सेपरेटली एक नोट बना लो जिसमें आप कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, या फिर जो भी उनका स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको डिटेल्स में सीखना है, 20 अमीनो एसिड है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा स्ट्रक्चर के साथ देखने के लिए। अगर आपके स्ट्रक्चर किसी कारण आपको सीखने में दिक्कत हो रहा है तो एक पेज में लिख के आप जहां भी स्टडी करो स्टडी टेबल के सामने आप रख सकते हो, तो हर बार देखते रहोगे तो आपका इजी हो जाएगा। तो एक ट्रिक है कि इजीली आप किस तरह से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो। उसके बाद अमीनो एसिड में बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन भी होता है, जैसे एसिडिक अमीनो एसिड, फिर कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड, इम्यूनो एसिड कौन सा है बेसिकली, तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी है आपको आप इजीली देख लेना और वहां से आपको हेल्प हो जाएगा। कुछ नोट जो यहाँ पे मेरे पास था, जो देखो इस तरह का जो भी नॉन पोलर या फिर पोलर अमीनो एसिड, या फिर पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा है, नेगेटिव चार्ज वाला अमीनो एसिड कौन सा है, तो ये सब भी आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है तो जो भी क्वेश्चन आए वो आपको मिस ना हो जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी अगर आप टारगेट करोगे और एक क्वेश्चन आप सही कर लोगे वहां से, तो 4 मार्क इजीली आपको मिल जा रहे सिर्फ 1 or 2-3 आवर्स का मेहनत से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अमीनो एसिड डिटेल्स में देखना। उसके बाद प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, लिपिड के बारे में भी देख लेना, थोड़ा बहुत देखना, इतना डिटेल्स में नहीं जाना है। उसके बाद जो आपको दूसरा चीज थोड़ा डिटेल्स में देखना है वो है विटामिन के बारे में। तो विटामिन से भी एक क्वेश्चन हर साल आ जाता है, तो विटामिन काफी इजी है। तो सबसे पहले मैं बोल दूं उनका जो भी केमिकल नाम होता है विटामिन का उसको डिटेल्स में देख लेना, और कौन सा फॉर्म में क्या कौन सा केमिकल नाम नेम होता है वो भी याद रखना। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, रेटिनेल या फिर रेटिनोलिक एसिड, इस तरह से 3 अलग अलग नाम आ जाता है एल्डिहाइड, एल्कोहल या फिर एसिड फॉर्म में, तो ये सब आपको डिटेल्स में देखना है। उसके साथ साथ आपका उसका स्ट्रक्चर देखना है, और विटामिन डिफिशियंसी जो भी डिजीज वगैरह होता है उसको आप क्या करना, सबसे पहले देखो इस तरह का नोट बना लेना, कोई भी विटामिन है उसका जो केमिकल नाम है इधर लिख लेना,
और जो भी बाकी विटामिन डिटेल्स में बी विटामिन B12 का जो भी क्लासिफिकेशन है उसका भी साइंटिफिक नेम, आई मीन साइंटिफिक नेम तो नहीं, केमिकल नेम डिटेल्स में आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और काफी इजी है, ये बच्चा लेवल का क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको मिस नहीं करना है। फिर विटामिन का जो भी डिफिशियंसी के वजह से कौन सा डिजीज होता है तो इसके बारे में भी आपको देख लेना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो या फिर आप खुद बना लेना। तो इस तरह का चीजें काफी इजी होता है, तो आप यहाँ से इजीली आप इसको कर सकते हो। ये अमीनो एसिड का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर मैं हसन अकेडमी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। उसके अलावा जो एक मेजर क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन वहां से आता ही है, वो टॉपिक है एंजाइम, एंजाइम के ऊपर। आई थिंक चैप्टर का नाम एंजाइम काइनेटिक्स या फिर इस तरह का कुछ होगा, आप देख लेना जो भी है। तो वहां से हर साल क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको एंजाइम का क्लासिफिकेशन सीखना है, वहां पे जो भी क्लासिफिकेशन है विद एग्जाम्पल आपको सीखना है, हर साल आता है वहां से क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरा एंजाइम में आपको कुछ सीखना है वो है मेसलिस मेंटेन इक्वेशन के बारे में डिटेल्स में सीखो, कि KM क्या होता है, मेसलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट क्या है, और वहां पे मेरे को जितना याद है थ्री डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से तीन अलग अलग फॉर्मूला बन जाते हैं, आई मीन तीन अलग अलग कंडीशन के हिसाब से कुछ कर्व वगैरह भी बनता है, तो वो भी आप देख लेना, बहुत इजी है। एक बार देख लोगे तब भी, अभी भी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट जो भी है थोड़ा बहुत इस तरह की ही बात है, आप थोड़ा देख लोगे तो आपको इजीली वहां से स्कोर कर लोगे। तो ये सब आपको एक पेज में लिखना है, एक साथ लिखना है और उसको बीस बीस में रिवाइज करना है। उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री का एक सबसे मेजर टॉपिक है जहां से एक से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस है, वो है जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है उसके बारे में स्टडी करना। तो देखो यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में मैं एक से बोलूंगा, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। जब आप सेमिस्टर के लिए सीखते हो सकते है कि आप पूरा का पूरा साइकिल सीख रहे हो, हम लोग तो स्ट्रक्चर के साथ ही सीखना पड़ा था, या फिर कहीं कहीं पे बिना स्ट्रक्चर भी टीचर अलाउ कर देते, तो वहां पे आपको सभी चीजें सेमेस्टर के लिए डिटेल्स में सीखना है, क्योंकि सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल इम्पोर्टेंट है। बट जीपेड में क्या करना है आपको, आपको सिर्फ नाम से भी आप याद रखोगे ना तब भी आपका काम बन जाएगा, या फिर जो भी कुछ साइकिल है जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, तो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है वो सब आप देख लो। वहां पे आई थिंक रिवर्सिबल स्टेप होता है, तीन और चार इस तरह का रिवर्सिबल स्टेप होता है, तो वो सब देख लेना, और वहां पे एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है रिवर्सिबल स्टेप में वो देख लेना, और ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट में जैसे एरोबिक या फिर एनोरोबिक पाथवे भी हो सकता है, तो वो सब आपको याद रखना है। टीसीए साइकिल डिटेल्स में देखना है, डिटेल्स में इन द सेंस पूरा साइकिल आपको पता ना हो कोई बात नहीं, बट वहां पे एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है या फिर कितना स्टेप का है, लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है, और एक चीज जो आपको एक टेबुलर फॉर्म में बना लेना है, कौन सा साइकिल से आपको कितना ATP प्रोड्यूस हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर साल, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे घुमा घुमा के कुछ भी देगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप पहले ही एक एक टेबुलर फॉर्म में बना लो कि ग्लाइकोलाइसिस से इतना 12 ATP आ रहे हैं, या फिर टीसीए साइकिल से इतने आ रहे हैं, या फिर जो भी वो साइकिल है ना ग्लाइकोलाइसिस हो गया उसका सिनोनिम भी रहता है, तो उससे भी आपको मिस्टेक हो सकता है, बहुत लोगों को गलतियां हो जाता है। तो आपको देखो जब क्वेश्चन बनाता है ना तो जीपेट इतना भी कुछ इस तरह का एग्जाम नहीं है कि बहुत डिटेल्स में जाता है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आपका नॉलेज चेक करता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना जो भी एक ही नेम का दो तीन नेम है तो वहां से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखोगे ना, ठीक ठाक नॉलेज रखोगे, तब भी जीपेट इजिली आप क्रैक कर लोगे। तो ये सब था कुछ जीपेट बायोकेमिस्ट्री के लिए कुछ ट्रिक्स था, और सबसे लास्ट में आप बुक कौन सा स्टडी करोगे, तो देखो यू सत्यनारायण ले लो, जो बहुत ही इजी तरीका से लिखा हुआ है, तो यू सत्यनारायण के अलावा आपको डिटेल्स में दूसरा बुक में और डिटेल्स में मिल जाएगा, तो आपको मुश्किल हो सकता है, इतना डिटेल्स नहीं सीखना है, यू सत्यनारायण इज ओके। अगर यू सत्यनारायण आप यूज नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई सीनियर है क्या, या आप खुद ही गेट लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर करने जा रहा हो, या तो आपके पास इस तरह का बायोकेमिस्ट्री का गेट के लिए अलग से बुक होगा, तो ये भी आप देख सकते हो। बट बात यह है कि गेट का बुक में बहुत डिटेल्स में बहुत ज्यादा चीजें हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो बेस्ट है यू सत्यनारायण ले लो, या फिर कहीं से भी यू सत्यनारायण कनेक्ट करो और वहां से भी आप स्टडी करो, बहुत ईजी है। तो आई थिंक आप अगर इस तरह से स्टडी करोगे जो भी मैंने बोला चीजें को, आप अच्छे से एक नोटबुक में अभी
अभी जल्दी नोट बनाना है आपको, क्योंकि रिवीजन करते रहोगे तो आपको याद रहेगा ये सब चीजें। अभी 2-4 दिन में भी आप अगर नोट बना लोगे और उसको बीच बीच में देखते रहोगे तो आप एटलीस्ट 16 मार्क आपको जीपेट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। तो इस तरह का वीडियो और आता रहेगा तो आप इस चैनल को लाइक करो और शेयर करो, आपका फ्रेंड के पास आप शेयर कर दो काइंडली, तो ज्यादा लोग होने से वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को भी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।